अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग ब्लॉगर टेम्पलेट की कस्टमाइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं। एज़ पर योर रिक्वेस्ट हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसकी कस्टमाइजेशन करेंगे। जो सुपर मैग हमने थीम जो है वो इंस्टॉल किया था, और ये जितनी भी पार्ट्स आने वाले हैं इन वीडियोज़ के इंट्रोज बहुत लंबे नहीं हुआ करेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्ट पे आप लोगों को सिर्फ ये बताना है कि हम इस वीडियो में ये पर्टिकुलर काम करने वाले हैं और उस वीडियो का जो काम है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। मेरी वीडियोस को ओपन करने से पहले ही अपना ब्लॉगर अकाउंट आपने लॉगिन करके रख लिया करना है। आज के इस वीडियो में हम लोग ब्लॉगर का जो सुपर मैग थीम है उसके अंदर लोगो लगाना सीखेंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ पहले कि आपने जो लोगो है वो बनाना कैसे है, उसके बाद आपने उसको लगाना कैसे है। अगर आप लोगो नहीं लगाना चाह रहे हैं, अपना एक टाइटल या अपना एक नाम जो आपकी साइट का नाम है वही अपने लोगो के तौर पर एडजस्ट करने वाले हैं, तो वो कैसे लगा सकते हैं हम लोग। तो ये तीन चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टाइमिंग भी बता दूंगी कि कितनी टाइमिंग पे कौन सी बात डिस्कस की गई है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर जाकर आप वो चीज़ देख सकते हैं जो चीज़ आप जानना चाहते हैं। प्रोसीजर बहुत ही आसान है, चलिए जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोग फटाफट से काम कर सकें। तो नंबर वन पे हम लोग देखते हैं कि हमने अपना लोगो अगर खुद क्रिएट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो आपने सिंपल कैनवा यहाँ पर गूगल पर आकर टाइप करना है और कैनवा को यहाँ पर canva.com पर इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप अपना कस्टम साइज भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से आप जो है वो अपनी पसंद का साइज देके उसको रेशो साइज देके भी बना सकते हैं। अगर आपने कंप्लीट इसकी इंस्ट्रक्शन देखनी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगी, तो आप उसको जाके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर हम सिर्फ लोगों के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर आपने इस 500x500 जो पिक्सल है उसको लोगों पर क्लिक करना है, और आपके पास इस पर डिज़ाइनिंग बहुत आसान है। मैं ज़्यादातर अपना काम जो है वो इसी साइट पर करती हूँ। आपके पास एक कस्टम साइज जो ओपन हो जाएगा जो आपने जिसके ऊपर लोगो बनाना है। तो यहाँ पर बने बनाए टेम्पलेट्स यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं, जिनको चूज़ करेंगे और इसके अंदर एडिटिंग करेंगे और आपका लोगो रेडी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए इस लोगो की अगर बात करूँ तो मैंने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं किस रिलेटेड आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी के रिलेटेड चाहिए या किसी और प्रोडक्ट के रिलेटेड चाहिए, तो आप अपनी नीच के ऊपर अपना सर्च कर सकते हैं कि इस तरह का मुझे चाहिए, और वो आपको ऑटोमेटिकली कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स दे देंगे जिसके ऊपर आपने खुद ब खुद एडिटिंग करके उसको रेडी कर लेना है। अभी यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल ये है, इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें, इसके ऊपर कलर्स हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर नेम अपना, यहाँ पर टाइटल हम चेंज कर सकते हैं। इसको डबल क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ भी टाइप कर लेते हैं, जैसे कि मेरा डिजिटल वर्ल्ड है तो मैं उसी को टाइप कर लेती हूँ। नीचे आप इसको अगर इनको चेंज करना चाहते हैं, जो हमारे पास नीचे कुछ टाइटल्स दिए हुए हैं, तो उसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे और उसको आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको अभी के लिए यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैं सिंपल इसको रिमूव कर सकती हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद ब्लैक स्पेस करेंगे और ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और ये हमारे पास टोटल है। इसके साइज़ को हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक, जस्ट लाइक दिस। आप इसको डबल क्लिक करके होल्ड करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और आपके पास हो जाएगा। और इसके एलिमेंट को भी आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, आप इसकी जगह पर कुछ और एलिमेंट लगाना चाहते हो, तो सिंपल आपने एलिमेंट पर जाना है। जो भी आपकी कोई नीश है आप उसके रिलेटेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत से एलिमेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ से अपनी पसंद का आप कोई भी एलिमेंट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसका डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा राइट क्लिक करने से। दूसरा ये तरीका है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऊपर भी आपके पास ऑप्शन आ जाता है ये डिलीट का। तीसरा ये तरीका है कि यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके जो लैपटॉप या कोई भी चीज़ है उसके ऊपर जो डिलीट बटन है उससे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर इसको डबल क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं साइज़ को, जस्ट लाइक दिस। आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास कलर्स का ऑप्शन आ जाता है और आप इनके कलर्स को वाइट कलर और वट एवर यू लाइक। आप इसके बैकग्राउंड को अगर बिल्कुल प्लेन ख़त्म करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि इसके बैकग्राउंड में कोई चीज़ ना हो और मैं सिर्फ ये लोगो लेना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं, बट नॉट यूजिंग दिस कैनवा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ये आपका फ्री कैनवा यूज़ कर सकते हैं। आप कैनवा की जो साइट का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। इसके लिए आपको अलहदा से इसको रिमूव करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे, आप कैसे कर सकते हैं इसको रिमूव। यहाँ पर एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट सर्च करेंगे तो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बेबी सर्च करती हूँ। अगर आपका किसी का कोई बेबी नीश है, अपने नीश के रिलेटेड ही अपने लोगो बनाने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। इट्स टू इजी टू मेक लोगो ऑन दैट वेबसाइट, तो आप इजीली इसके ऊपर बना सकते हैं।
इसको डाउनलोड करने का तरीका ये है कि ऊपर डाउनलोड का बटन आपके पास अवेलेबल है, आपने डाउनलोड करना है। PNG ऑलरेडी आपके पास सिलेक्ट है और आपने सिंपल डाउनलोड कर लेना है। हियर यू कैन सी हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब बात करते हैं कि हमने जो लोगो बनाया है उसका बैकग्राउंड हमें बिल्कुल प्लेन चाहिए, बिल्कुल कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, उसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट चाहिए। तो वो भी बहुत आसान है, आपने न्यू टैब पर जाना है, आपने सर्च करना है रिमूव बैकग्राउंड फ्री ऑनलाइन। सबसे पहले वाले लिंक पर हम क्लिक कर लेंगे। आप यहाँ अपलोड इमेज कर क्लिक करके यहाँ से अपना जो भी आपकी पीछे जहाँ पर आपने सेव किया हुआ है वहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप ड्रैग और ड्रॉप भी कर सकते हैं अपने इमेज को, जिसने ऑटोमेटिकली आपके बैकग्राउंड को जो PNG फाइल की बैकग्राउंड था उसको रिमूव कर दिया है। हमने सिंपल यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और हमें PNG फाइल में विदाउट बैकग्राउंड के आपके पास लोगो जो है वो अब अवेलेबल है, और वो भी बिल्कुल फ्री, आपको कोई प्रो चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है अपना जो आप लोगों ने लोगो रेडी किया हुआ है उसको अपलोड कैसे करना है अपने सुपर मैक टेम्पलेट के ऊपर। तो अभी के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ अपने आपने जो ब्लॉगर का आपका तो थीम है उसको लॉग इन करके रख लेना है। आपने व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करना है और मैं आपको दिखा देती हूँ कि अभी के लिए हमारा जो ब्लॉग है वो इस तरह का लग रहा है। ये देखिए यहाँ पर सुपर मैक का अपना ही जो लोगो है वही अपीयर है। यहाँ पर अब हम लोगो इसका चेंज करने वाले हैं। आपने सिंपल लेआउट पर क्लिक करना है। लेआउट पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा हेडर लोगो का। आपने इसके यहाँ पेंसिल सा बटन बना होगा जहाँ पर एडिट का ऑप्शन होगा, आपने उसको क्लिक करना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ब्लॉग का टाइटल नज़र आ रहा है जो कि आपका ब्लॉग का टाइटल होगा, और नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन का मेन्यू, और यहाँ पर आप अपनी इमेज को अपलोड कर सकते हैं। आपने अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक करना है ताकि हम अपने कंप्यूटर से इमेज को अपलोड कर सकें। चूज़ फाइल पर क्लिक करने के बाद मेरे पास जो यहाँ पर अपना पुराना लोगो है जो मैंने अपने चैनल पर भी लगाया हुआ है वो सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। और ये आपने सिलेक्ट करना है ये वाली सेकंड ऑप्शन, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सेव के बटन पर क्लिक करेंगे और आपका ये जो विजेट है वो अपडेट हो गया। यहाँ पर साइट को हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि हमारा जो लोगो है यहाँ पर लगा या नहीं। तो एज यू कैन सी हमारा लोगो लग गया है। सो द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि अगर आपने अपने वर्डिंग का जो आपने कुछ भी अगर डिजिटल वर्ड एज अ टेक्स्ट आपने लिखना है तो वो एज अ लोगो का आप कैसे सेट कर सकते हैं। तो आपने सिंपल लेआउट पर जाना है और वैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, हेडर और लोगो पर आएंगे। यहाँ पर एडिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा यहाँ पर कि हमने जो ब्लॉग का टाइटल है वो कौन सा देना है। डिजिटल वर्ल्ड मेरे ब्लॉग का टाइटल है तो वो यहाँ पर दे देंगे। और यहाँ पर जो हमारे पास ये ऑप्शन है इमेज का, ये हमने यहाँ से इसको रिमूव करना है। तो बिहाइंड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ, और यहाँ पर ये सिलेक्ट करने के बाद हम कर लेते हैं इसको सेव के बटन पर क्लिक। अब करते हैं इसको रिफ्रेश। एज यू कैन सी जो मेरा डिजिटल वर्ल्ड का टेक्स्ट फॉर्मेट था वो यहाँ पर अपीयर हो रहा है। और एज अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन आपने ये जो टेम्पलेट चूज़ किया है यहाँ पर, अगर आप टेक्स्ट फॉर्मेट में अपना जो लोगो है वो तैयार करते हैं तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट और अपीयर होगा एज़ कम्पेयर टू आपकी पिक्चर। और यहाँ पर मैं आपको टिप दे दूँ कि अगर आपने एक इमेज अपने लोगो की तैयार करनी है तो उसका जो पिक्सल फॉर्म है वो अपना 1000 या उससे अबव करिएगा ताकि वो एक बड़ा और प्रोमिनेंट आपको नज़र आए। अगर आप मुझे अपना लोगो दिखाना चाहते हैं या मुझसे कोई भी एडवाइस लेना चाहते हो तो आप मुझे इस इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।